जूश कल्चर में बच्चों को पैसे के बारे में सिखाने के लिए एक 5-jar प्रिंसिपल यूज किया जाता है कि अपने पैसे को 5 jars में बांटो। एक जार में अपनी जरूरतें, रेंट हो गया, खाना हो गया, सेफ्टी हो गई, एंड ये आपकी सैलरी का मैक्सिमम 50% होना चाहिए। दूसरे जार में 10% ऑफ योर सैलरी लॉन्ग टर्म परचेजेस के लिए, घर खरीदना है, आगे जाके गाड़ी खरीदनी है, रिटायरमेंट के लिए। अगला जार 10% अपनी इच्छाओं के लिए, कपड़े खरीदने हैं खरीदो, पार्टी करनी है करो। फिर अगला जार 10% अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो म्यूचुअल फंड में पैसे डालो, जहां भी इन्वेस्ट करना है अच्छे से। और फाइनल जार 10% टीथ के, ये वो पैसा है जो आप डोनेट करते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास वो सब नहीं है जो आपके पास है। लेकिन अभी भी 10% बच्चों का है जो कि हम स्पेंड करेंगे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, खुद की लर्निंग के लिए, खुद में इन्वेस्ट करके। आपकी सैलरी का क्या स्प्लिट है?